I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. तो ये है मेरा शहर कराची, और कराची में इस वक्त, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में ही सबसे बड़ा जो मसला है वो है रोटी कपड़ा मकान का। तो अल्लाह का शुक्र है बचपन से ही कोई इतना में ऐसा सच कोई इशू तो आया नहीं है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने खाना दिया, पहनने को अच्छे कपड़े दिए खाने। लेकिन इंसान की जो बेसिक नीड है, एक अपनी छत होना। तो अभी हमने अपना घर बनाया था, तो वो घर का मैं आपको टूर कराता हूँ। होप करता हूँ आपको अच्छा लगे हमारा घर, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और कमेंट अच्छे से कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, ये हमने पौधे लगाए थे, ये पता नहीं क्या है, ये मोतिया है, ये चाइना रोज़ है, और भी एक दो पौधे लगाए थे वो सूख गए। तो ये हमारे घर की एंट्रेंस है, वो छोटा गेट है, ये मेन गेट है, वो हमारे गैस के मीटर लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक सिटी के। तो यहाँ से होते हैं घर के एंटर। एंटर होते ही ये छोटा सा हमारी कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये इधर हमारी मोटर वगैरह लगी हुई है, ये इधर एक बेसन है, इधर हमने ये बैटरी वगैरह सोलर वाला सिस्टम, ये हमारा पैनल है वो ये है। ये गेट एंटर होता है बैठक के अंदर, सही है। लेकिन अभी आपको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें बाथरूम नंबर वन हमारे घर का। ये इतना यूज़ नहीं होता, ये ऐसी स्पेयर बाथरूम है। खैर, हमने बनाया कि कोई मेहमान आ जाए तो वो। खैर, ये चप्पल उतार के यहाँ से हम एंटर होंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी बैठक, ये एक सेकेंड पर्दा इधर कर देते हैं ना, ताकि आप लोगों को बाहर से कोई ना देखे आप लोगों को। तो ये हमारी बैठक है, सोफ़े लगे हुए, सोफ़ों के कवर चेंज करने, और ये है हमारा बैठक। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे ये पर्दा लगाया हुआ हमने, ये सब कोई मेहमान आता है तो हम पर्दे को ऐसे करके ये हमारा सेपरेशन हो जाती है। तो ये हमने दीवार नहीं रखी, अक्सर घरों में यहाँ दीवार होती है, तो हमने यहाँ दीवार नहीं रखी। ये हमारी डाइनिंग टेबल है, इस पर बैठ के हम खाना खाते हैं, और ये है हमारा किचन। किचन के अभी ये जो है उतारे नहीं, क्योंकि अभी नया नया घर है तो ये फ़िलहाल नहीं उतारे, लेकिन ये किचन अंदर से कुछ ऐसा है, मतलब ये ऊपर तो ये चढ़ी हुई लेमिनेशन, ये मार्बल टॉप है, नीचे भी ये हिसाब बना हुआ, और ये हमारा फ्रिज है, ये वाईफाई का राउटर यहाँ लगा हुआ है, ये हमारा टीवी लाउंज, जो भी समझ लें आप, टीवी लाउंज हो या डाइनिंग लाउंज या जो भी, ये किचन के बिल्कुल साथ। तो ये है रूम नंबर वन, इसमें मेरा पीसी रखा हुआ है, ये फ़ैन है, ये मेरा बेड है, और इसी के साथ यहाँ पे है इसके साथ अटैच बाथरूम, सही है। तो ये रूम नंबर वन है, और ये बाथरूम नंबर टू। अभी जैसा रूम नंबर वन दिखाया आपको, सेम ऐसे ही रूम नंबर टू है, लेकिन रूम नंबर टू में दो बेड डले हुए हैं और उधर मम्मा सो रही हैं, तो उस वजह से अभी हम उधर जा नहीं सकते, लेकिन उसके पीछे वाली तरफ मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो भाई, रूम नंबर टू के पीछे ये रूम नंबर टू का गेट है, इससे बाहर हो तो ये एक बाथरूम है, सही है, ये एक बाथरूम है। इसी के साथ ये घर का फ्रंट पे हमारे 20 फुट की गली है, पीछे जो है ये गंदी गली, आप जिसको समझ लें, जिसमें सीवरेज की लाइंस वगैरह होती है। तो अभी चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये हमने पौधे लगवाए थे तो उसके गमले यहीं रख दिए, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे इधर हमारी गैलरी है, मतलब छोटी सी गैलरी, इधर हमने थोड़ा सा सामान वगैरह रखा हुआ है,
ये पैनल बॉक्स इधर लगवाया है, ये सोलर की तारें ऊपर से आ रही हैं, और ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर। पंखा तो नहीं चलेगा क्या? सबसे पहले लाइट्स ऑन करते हैं ताकि आप लोगों को नज़र कुछ है। फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, फ़ैन बंद हो। तो ये है फर्स्ट फ्लोर, इसकी यहाँ की भी लाइट्स ऑन। तो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाथरूम नंबर 4। इधर हमने साथ में समझ लो छोटा सा एक बाथरूम बनाया, कोई मेहमान वगैरह आते हैं बैठक में बैठने के लिए। तो अब यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये है समझ लो हमारी बैठक है। और आम घरों में जो 120 यार्ड्स के होते हैं, इधर दीवार होती है, तो हमने दीवार नहीं लगाई, ये ऊपर ये लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पर्दा लगा दिया, तो ये खुला स्पेस बन जाता है काफ़ी ना। तो ये जो हमारा एरिया है, ये आप समझ लें हो गया टीवी लाउंज समझ लें, या डाइनिंग टेबल, जैसे हमारे नीचे वाले फ्लोर पर डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, तो ये वो एरिया है। और ये हमारा किचन है, थोड़ा गंदा हो रहा है, सामान वामान रखा हुआ, क्योंकि ऊपर कोई होता नहीं है, हम लोग तो सारे नीचे ही होते हैं। तो ये, इसके अलावा ये हमारा है रूम नंबर 1। इसमें हमने मेहमानों के लिए बेड वगैरह रखे हैं, कभी मेहमान आते हैं तो ऊपर उनको। ये अलमारी है, अलमारी में पापा ने कुछ अपनी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। इधर थोड़ा ये सामान है, ये ड्रॉज वगैरह हैं, इधर भी कुछ सामान ही होगा, कपड़े वगैरह फालतू जो होते हैं। ये हमारा आ गया वॉशिंग एरिया, ये आ गया बाथरूम नंबर 5 बाथरूम नंबर 5। और ये हमारा वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। चलें फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ बराबर वाला रूम। तो ये है मेरा रूम, फ़िलहाल खाली है, इसमें बस एक चारपाई और थोड़े कार्टन वगैरह रखे हैं। अब इस रूम में भी यहाँ से ये चेंजिंग रूम आ गया, अब यहाँ पे भी ये चेंजिंग रूम आ गया। चेंजिंग रूम में भी इधर एक अलमारी बनवाई है, खुल जा, ये क्या सीन है, ये अलमारी है, इसमें हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, मतलब ऊपर वो सामान रखा हुआ है जो इतना यूज़ नहीं होता। ये आ गया बाथरूम नंबर 6। अभी इधर मैं थोड़ी चेंजिंग वेंजिंग करूँगा, कंप्यूटर ला के रखूँगा। और ये चारपाई मैंने और अब्दुलरहमान ने थोड़े दिनों कल परसों ही बनाई है, तो अब CV में ये भी डालूँगा कि चारपाई बुनना भी आती है मुझे। चारपाई बड़े मज़े किया। बस ये हमारा जो घर था, ये फर्स्ट फ्लोर पे, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं छत पे। तो घर थोड़ा अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम ताज़ा शिफ्ट हुए हैं, तो इतना कोई फैंसी मतलब अभी इसमें सेटिंग वगैरह नहीं की है, बहुत सारे काम अभी रहते हैं, रेलिंग लगवानी है, थोड़ी जालियाँ लगवानी है, तो ये काम अभी रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द करवा लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल साल भी चेंज हुआ है, तो अगले साल मतलब 2023 आ गया। आपको सबसे पहले तो 2023 मुबारक न्यू ईयर, वो भूल ही गया मैं। तो अभी ये सीन है कि अभी हम लोग चेंजिंग नहीं मतलब काफ़ी सारे इसमें और काम करवाने, छत पे भी हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं, नीचे भी हैं। तो भाई यहाँ से जा रही हैं छत के ऊपर सीढ़ियाँ, आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी, माजरत ख्वाह हैं। ये छत के ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ, यहाँ से छत पे एंटर हो जाते हैं, और ये हमारी छत है। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का सरिया बचा था वो है, और इधर थोड़ा काठ का बाग है। टोटल हमारी ये छत है, और अब छत के ऊपर भी हमने बाथरूम बनाया। ये हमारा आ गया 7वां बाथरूम, ये गंदा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि
फिर वक्त छत सर्दियाँ तो छत पे कोई आता नहीं है, तो ये अच्छा। तो भाई छत को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि इधर ऊपर सर्दियों की वजह से अभी ऊपर कोई आ नहीं रहा, इसकी सफाई वगैरह करनी है। अब्दुलरहमान आएगा या कोई कज़न वगैरह आएगा तो इंशाल्लाह छत की सफाई करेंगे।